शिकंजी, पुदीना क्रश वाटर, लेमन टी, जीरा वाटर, जीरा मसाला सोडा, मसाला लस्सी और होममेड गन्ने का रस। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये 7 ड्रिंक्स जो आप रोज़ घर पर बनाकर अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं और इस गर्मी में अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी है सारे ड्रिंक्स, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये ड्रिंक्स कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे शिकंजी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा और इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च और इसे हम लो फ्लेम पर 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अभी जीरा का कलर बदल गया है और अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ और इसमें डालेंगे 4-5 इलायची और इसे भी हम 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 30 सेकंड हो चुके हैं और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने पर इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो ये मसाले ठंडे हो गए हैं और अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे धागे वाली मिश्री। तो इस तरह से धागे वाली मिश्री होती है फ्रेंड्स, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 कप धागे वाली मिश्री डाल रही हूँ। अगर मिश्री के टुकड़े बड़े बड़े हैं तो आप इसे क्रशर में इस तरह से कूट लें, उसके बाद ही मिक्सर जार में डालें तो पीसने में आसानी होगी। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1/2 कप चीनी ले लें और उसे डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सेंधा नमक, आप चाहे तो सफ़ेद वाला नमक भी डाल सकते हैं जो आप सब्जियों में यूज़ करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया शिकंजी का मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एक कंटेनर में भर के रख लें और जब भी मन करे शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ली है 2 ग्लास और इसमें डालेंगे आइस क्यूब और अब हम इसमें डालेंगे शिकंजी का मसाला। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के लगभग शिकंजी का मसाला डाल रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार 1.5 से 2 चम्मच शिकंजी का मसाला डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने दोनों ग्लास में 1-1 नींबू का रस डाला है और अब हम इसमें डालेंगे चिल्ड वाटर। फ्रेंड्स, आप पानी की जगह पर सोडा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी का भी यूज़ करके बहुत ही बढ़िया शिकंजी बनती है। तो इस तरह से भी शिकंजी बहुत अच्छी लगती है, आप चाहें तो सोडा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ठंडी ठंडी शिकंजी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे मसाला लस्सी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में 1 कप पुदीना लिया है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच सेंधा नमक, 1/2 चम्मच काला नमक और इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आइस ट्रे फ्री नहीं थी इसलिए मैंने इन कटोरियों में इस चटनी को डाल दिया है और इन्हें मैं फ्रीजर में रख दूंगी। और अब हम बनाएंगे मसाला लस्सी। तो मैंने यहाँ पर ग्लास में आइस क्यूब डाल दिए हैं और इसमें डालेंगे ये चटनी। तो ये चटनी मैंने 2 चम्मच के लगभग डाली है, आप अपने स्वादानुसार थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, आप चाहे तो यहाँ पर 1 कप दही भी ले सकते हैं। और अब हम इस दही वाले बर्तन में ही पानी डालकर इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे जीरा और चाट मसाला से गार्निश कर लेंगे। आप पुदीने से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मसाला लस्सी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे जीरा बटर। इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में 1/4 कप जीरा लिया है और उसे हम हल्का रोस्ट कर लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप जीरे का बहुत ही हल्का टेस्ट चाहते हैं तो आप इसे केवल 30-40 सेकंड के लिए ही रोस्ट करें और अगर आप थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा भून लें। ये थोड़े से हल्के से जब इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा मोटे हो जाए, उस वक्त पर आप इसमें पानी डाल दें। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। कम से कम 3-4 मिनट के लिए उबाल लेंगे और उबालने के बाद इसे ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे जीरे के साथ ही पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, छानकर जीरा अलग कर दें और पानी अलग कर लें और पानी का इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पर जीरे को पानी के साथ ही पीस लिया है तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इस वजह से मैंने जीरे को अलग नहीं किया है। और अब हम लेंगे 1 ग्लास और उसमें डालेंगे आइस क्यूब और ये जीरा वाटर जो हमने तैयार किया है इसे हम पहले चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच के लगभग जीरा वाटर डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई मिश्री या फिर आप इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक या सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक और इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, आप अपने स्वादानुसार नींबू का रस डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चिल्ड वाटर। तो फ्रेंड्स, जीरा वाटर तैयार है। ये पेट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, पेट में बहुत ठंडक देता है और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है।
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें जिससे कि शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे इंजॉय करें। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे पुदीना क्रश वाटर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्रशर में पुदीना लिया है एक मुट्ठी के लगभग और इसे हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं कूटना है, केवल इसे दरदरा ही कूटना है इस तरह से। और इसे कूटने के बाद हम लेंगे एक कप और इसमें डालेंगे आइस क्यूब, नींबू का रस, एक चौथाई चम्मच काला नमक और इसमें डालेंगे मिश्री का पाउडर दो चम्मच। अब इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और इसमें डालेंगे एक चम्मच कुटा हुआ पुदीना और इसमें डालेंगे चिल्ड वाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये पुदीना क्रश वाटर बहुत ही टेस्टी लगता है और जब हम इसे पीते हैं तो बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स गर्मियों में पीने के लिए ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी ड्रिंक है, फटाफट बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम बनाएंगे जीरा मसाला सोडा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप और इसमें डालेंगे 3 कप पानी। तो इसे हमें 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखना है, आप इसे रात भर भी भिगो कर रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 घंटे हो चुके हैं और जीरा बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। तो अब हम इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे पकाकर एक बहुत ही बढ़िया सिरप तैयार करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होता है सारा जीरा ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारा जीरा ऊपर आ चुका है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी आधा नहीं हो जाता। ये ड्रिंक भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच काला नमक और मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी मिश्री। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो आप 1 कप चीनी डाल दें और इस पानी को आधा होने तक पकाएं, यानी हमने 3 कप पानी डाला था तो ये 1.5 कप पानी हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है बस वैसी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए पानी आधा हो गया है और गैस को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है तो मैंने इसे छान लिया है। तो ये जो जीरा है वो अलग कर लिया है और ये जो सिरप है इसे मैंने छान कर अलग कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने 2 नींबू को काटकर उसका रस निकाल लिया था और इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस इसे सिरप के ठंडा होने के बाद ही डालें, नहीं तो उसमें कड़वापन आ जाए। फ्रेंड्स इस सिरप को आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अब हम लेंगे 1 कप और इसमें डालेंगे आइस क्यूब और अब हम इसमें डालेंगे जीरे वाला सिरप। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच सिरप डाला है और इतने सिरप से एक जीरा मसाला सोडा बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पानी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें सोडा डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा भुना जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पुदीने को क्रश करके डाल दिया है। आप इसे पानी डालकर तैयार करें या सोडा डालकर तैयार करें, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स जीरा मसाला सोडा भी बनकर तैयार है और अब हम बनाएंगे आइस टी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कप पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाली है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। फ्रेंड्स ये जो इलायची के छिलके दिख रहे हैं ये केवल छिलके हैं और ये मैं जब भी इलायची छीलती हूँ तो मैं छिलके चाय की पत्ती में डाल देती हूँ, तो जब चाय बनाते हैं तो इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने उबाल लिया है करीबन 3-4 मिनट तक और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसे छान लूँगी। तो मैंने इसे छान कर चाय पत्ती अलग कर दी है और अब हम लेंगे 1 कप और इसमें डालेंगे आइस क्यूब और थोड़े से पुदीने के पत्ते और इसमें डालेंगे नींबू का रस और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच के लगभग ब्लैक टी और इसमें डालेंगे चिल्ड वाटर और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा है तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। शहद गर्म चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म चीज़ों में शहद नुकसान करता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमारे पास ब्लैक टी बचा है उसे हम फ्रिज में रख देंगे और जब भी मन करे आप इस तरह से आइस टी बनाकर पी सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे होममेड गन्ने का रस। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप गुड़ और इसे मैंने कूट कर लिया है, इसके छोटे छोटे पीस करके ले लें और अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी पुदीना और अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब और 1/2 चम्मच काला नमक और अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस और इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। तो फ्रेंड्स ये 3 कप गन्ने का रस बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। घर पे बनाया हुआ ये गन्ने का रस आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, एकदम गन्ने के रस का आपको स्वाद मिलेगा। और आप इसे बनाते समय पुराने गुड़ का इस्तेमाल ना करें, हो सके तो नए गुड़ का ही इस्तेमाल करें, इससे गन्ने का रस काला नहीं पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा।
तो फ्रेंड्स हम इसे पुदीने से इस तरह से गार्निश कर देंगे और गन्ने का रस इंजॉय कीजिए। और ये सातों ड्रिंक्स आपके सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही कम खर्चे में आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपको ये ड्रिंक कैसे लगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।